Rule camera. Yeah. Rule camera, action. are yeah. दोस्तों आवाज़ की दुनिया के दोस्तों अभी आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये है राजदीप चटर्जी इनका फेसबुक आईडी इंस्टा आईडी सब कुछ नीचे हमने डाल ही रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको मिल जाएगा और ये बहुत ही जाने माने सिंगरों में इनका नाम आता है बॉलीवुड के सिंगर है ये और हमारे अच्छे दोस्त भी हैं क्योंकि ये गाना हमने शूट किया और ऐसे काफ़ी सारे गाने हमने इनके लिए शूट किए और जब भी कोई ऐसा गाना हम शूट करके कहीं पे भी रखते हैं या मेरे वेडिंग का सॉन्ग हो या मेरे प्री वेडिंग का सॉन्ग हो या म्यूज़िक एल्बम हो या कुछ भी हो वो जैसे ही रिलीज़ होगा या जैसे ही वो पब्लिक के सामने आएगा तो सारे फ़ोटोग्राफरों का एक ही सवाल होगा कौन सा कैमरा यूज़ किया था क्यों ऐसा क्यों आप लोगों का भी यही सवाल होगा ना ये गाना देखते हुए कि कौन सा कैमरा यूज़ हुआ होगा भाइयों इसीलिए हम लोग यानी मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि इसीलिए हम लोग अभी भी पीछे है कि हम ये बोलते हैं कि कैमरा तो एक ज़रिया है मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कैमरा अच्छा नहीं होना चाहिए कैमरा एक ज़रिया है लेकिन कैमरा मैन जो होता है वो होना चाहिए यानी इसमें आपको ये देखना होता है कि कौन कैमरा मैन है किसने किया ये कमाल क्योंकि आप महंगे से महंगा कैमरा ले लो यानी कि फ़िल्मों में जो यूज़ होता है जस्ट लाइक एरी एलेक्सा एक्स टी एक करोड़ का उसका पूरा सेटअप बनता है और एक करोड़ का कैमरा इतना महंगा कैमरे का सेटअप लेके आप निकल जाओ सड़कों पे और वहाँ पर कोई भी बंदे को बोलो ले भाई शूट करके दिखा तो क्या वो एक करोड़ का कैमरा अपने आप शूट करेगा क्या कर सीधी सी बात है नहीं करेगा और ना वो बंदा वो कैमरे से शूट कर पाएगा लेकिन जब वेल एक्सपीरियंस कैमरा मैन अगर सस्ते से सस्ता या छोटे से छोटा कैमरा भी उसके हाथ में हो इवन के मोबाइल का कैमरा भी हो उससे भी आ, फिल्म बना सकता है फ़ोटो खींच सकता है और वही जब कहीं पे सबमिट होता है और उसको एवॉर्ड भी मिल जाता है ऐसे भी उदाहरण बहुत सारे हमारे सामने हैं तो दोस्तों मेरा आप लोगों से यही कहना है और यही गुजारिश है कि कोई भी कैमरा हो दुनिया का कोई भी कैमरा हो बस अगर आप में एक्सपीरियंस होगा तो आप सीधी सी बात है बेहतरीन से बेहतरीन सूट कर पाओगे जानदार से जानदार आउटपुट निकाल पाओगे देन मेक योर सेल्फ अ ब्रांड आप अपने आप को एक ऐसा ब्रांड बनाइए कि लोग आपके बारे में पूछे ना कि ये पूछे कि भाई यार अब जस्ट लाइक अ Uh, कितने लोग ये बोलते हैं मैं सालों से ये कैमरा चला रहा हूँ और मैं दूसरा कैमरा मैं चला नहीं सकूँगा तो दोस्तों आप लोगों तो आप लोग जो भी हो यानी कैमरामैन मैन आपको सिर्फ एक ही कैमरा चलाना आता है तो आप तो एक ड्राइवर से भी गए गुजरे हैं जी हाँ मेरी ये बात ज़रूर आपको कड़वी लगेगी क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा ही होता है लेकिन अगर आप सिर्फ़ एक ही कैमरा पकड़ के बैठ जाते हो और बोलते हो कि मुझे तो यही कैमरा चलाना आता है तो आप ड्राइवर से भी गए गुजरे क्योंकि एक ड्राइवर जो होता है वो मारुति की गाड़ी भले ही चलाता हो लेकिन फिर भी उसको बोलो कि मर्सिडीज चला ले वो मर्सिडीज़ लेके भी निकल जाएगा या फरारी लेके निकल जाएगा कोई भी गाड़ी लेके निकल जाएगा और आप भी अगर ड्राइविंग करते हो तो आपको भी पता है कि गाड़ी में जैसे क्लच ब्रेक और एक्सीटर होता है ऐसे दुनिया के कोई भी कैमरे में एपस्टॉप सटे स्पीड और आई होता है तो दोस्तों आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा कैमरा है आपको ये सोचना है कि कौन सा कैमरा मैन है तो इसी गाने के शूट के दौरान जो आपने देखा भी होगा हमारी यूट्यूब चैनल पे कि बैंकॉक मुंबई टू बैंकॉक का एपिसोड एक आया बैंकॉक टू पतया का एपिसोड आया और पतेया के लोकेशन पे अलग अलग लोकेशन पे जाके हमने शूट किया यहाँ पे हमारे कुछ गुड एक्सपीरियंस कुछ बैड एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये हमारा अब बी बोलो या एक्सपीरियंस बोलो या लॉकडाउन टाइम पास बोलो जो भी है ये है तो यहाँ पे हमने एक मिररलेस कैमरे से पूरा वीडियो शूट किया हुआ है मैं ना तो कंपनी बोलूँगा ना तो नाम बोलूँगा क्योंकि नहीं तो आपकी पिन फिर से वहीं जाके चिपक जाएगी आपकी सुई वहीं पे चिपक जाएगी मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि मैंने एक मिररलेस कैमरा यूज़ किया था जो कि दोस्तों मेरा आप सब लोगों से बस यही कहना है कि आपका आउटपुट क्या है उसके ऊपर आप अपना कैमरा बनाइए कैमरा यूज़ कीजिए आपके पास बस एक मिररलेस कैमरा हो तो आप सीधी सी बातें जानदार आउटपुट निकाल ही सकते हो और आपका बेहतरीन आउटपुट निकल सकता है ये है हमारा वही लोकेशन का पहला दिन और अर्ली मॉर्निंग और लोकेशन के ऊपर हमारा रैकी और ये है हमारा क्रू और मैं आपको बताऊं कि जैसे आप ये देख रहे हो एक म्यूजिक एल्बम शूटिंग माहौल यहाँ पे हमारे जो प्रोफेशनल क्रू जो है यानी कि जो प्रोडक्शन मेकअप वो सब वहाँ लोकल थाईलैंड से ही थे और ये एक विंटेज कार हमने बुक करवाई थी ये आप देख रहे हो फॉल्स फॉल्स वैगन की विंटेज कार है ये राजदीप चैटर्जी है जो कि ये लोकेशन और ये लोकेशन पे हम आपको बताएं कि ये जो पार्किंग के लिए आप देख रहे हो वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा रेस्टोरेंट था अगल बगल में रेड़िया खड़ी है वहाँ से हमें फूड मिल सकता था और वो भी थाई फूड थाई फूड यानी टोटल नॉन वेज और नॉर्थ इंडियन नॉन वेज इट्स थाई नॉन वेज जिसमें से हमेशा अलग किस्म की बदबू आती है तो वैसा खाना भी आपको खाना है और ये राजदीप चैटर्जी है जो कि यहाँ पे लिपसिंग कर रहे हैं और <coughs> यहाँ पे हमने डी एस कैमरे से ये शूट किया है और ये इनके फॉलो शॉट है जो कि कार के साथ चल रहे जो आपने गाने में भी ये शॉट देखा जो कि कलर ग्रेडिंग हुआ था तो जिस तरह आप लोग एक गाना देख के ये सोचते हो कि भाई मैंने ये गाना इस पर शूट किया या ये कैमरे पे मैंने शूट किया तो ये आपकी गलतफहमी है क्योंकि सिर्फ आप ही इसके स्टार नहीं होते ये गाना शूट करने के बाद एडिटर की भी अहम भूमिका होती है मैं तो बोलता हूँ एडिटर की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है क्योंकि आप देख रहे हो एक ऐसा फुटेज है और इसको कलर ग्रेडिंग डी और एडिटिंग करके हमारे जो एडिटर मिस्टर हरकीरत सिंह लाल है उनका नाम है हरकीरत सिंह लाल उन्होंने क्या जानदार एडिट करके रखा हुआ है और आपको बताऊं कि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि पूरे गाने में आपको ड्रोन का एक ही शॉट मिलेगा क्यों क्योंकि जब हम ये शूट कर रहे थे तब हमारा ड्रोन ये जो झाड़िया या जंगल जो आप देख रहे हो वहाँ जंगल के पेड़ में जाके ये ऊपर बहुत ही ऊपर बहुत ही ऊपर फंस गया था जो कि तीन दिन बाद प्रोडक्शन गाय ने कोई ट्रेन मंकी यानी कि जो हमारे यहाँ मदारी लोग जो बंदर रखते हैं इस टाइप के ट्रेन मंकी उसको बोलते हैं मदारी का बंदर तो बंदर ने जाके वो ड्रोन निकाला था और उसमें भी हमारा बहुत सारा खर्चा हो गया था लेकिन हमें ये गाने का सिर्फ ड्रोन का एक ही शॉट मिला ये बात का हमें गम है बाक़ी इसका आउटपुट और सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन हैं आप ये देख सकते हो कि हमने एक <coughs> गिम्बल के साथ एक कार का फॉलो शॉट जो डिज़ाइन किया है तो ये कोई महंगा कैमरा नहीं कर सकता ये कैमरा और कैमरा का दिमाग कर सकता है तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही बेहतरीन और जानदार आउटपुट इस कैमरे का निकला है तो इसी फुटेज का मज़ा आप कंटिन्यू लीजिए मैं अब बोलना यहाँ पे बंद करता हूँ ताकि आप म्यूज़िक के साथ फुटेज एंजॉय कर पाए जी दोस्तों दोस्तों <coughs> लगता है आपने ये फुटेज एन्जॉय किया होगा ये मेरा कैमरे का फुटेज है जो कि ये गाना करीबन शूट किए हुए तीन साल तो हो गए आप देख सकते हो और ये उतने साल पहले हमने मेरा से शूट किया था ये कलर ग्रेडेड नहीं है गेंस नज़र आते होंगे लाइटिंग इनफ नहीं थी लेकिन एडिटर ने बहुत कुछ संभाला है तो वेल एक्सपीरियंस एडिटर भी होना चाहिए वेल एक्सपीरियंस सिंगर भी होना चाहिए ये सिंगर जो है हमारे राजदीप भाई तो सारी चीज़ें वेल एक्सपीरियंस होनी चाहिए तब जाके आपका जो सिनेमा होता है वो सिनेमा हिट होता है और आपका आउटपुट जानदार निकलता है ना तो कोई कैमरा ना तो कोई कैमरा मैन मिल यानी कि पूरी टीम मिल एक चीज़ को सुपर हिट करती है तो सारी चीज़ें मायने रखती है सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए तब जाके आउटपुट निकलता है दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ बहुत जल्द मिलूँगा बाय बाय जय श्री कृष्ण आओ जो